आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी इन आवर लाइफ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में जय हिंद या लिख दे। अगर आपको ये मेरी बात गलत लगे तो नो या कुछ भी लिख सकते हो। जब भी हम अभी 15 जनवरी को हमने आर्मी डे सेलिब्रेशन किया तो हम क्या करते हैं कि कभी भी आर्मी डे हो तो कोई भी आर्मी वालों का पिक लेके, श्रद्धांजलि का पिक लेके अपनी प्रोफाइल सेट कर देते हैं दिन पूरे दिन, फिर दूसरे दिन हम चेंज कर देते हैं। तो हो गया, हमने जो हमारा फर्ज था वो पूरा कर दिया। आपने कभी सोचा है कुछ भी हो, अगर बाढ़ आए या कुछ भी हो, तो अगर कोई प्रिंस खड्डे में गिर गया है, कहीं पे कुछ हो गया है, तो आर्मी को बुलाते हैं। पर उन लोगों को कितनी दिक्कत होती है, उनकी सैलरी आप देखो तो, अगर यहाँ पे क्रिकेटर की आप देखो, उसको इंजरी हो जाती है तो रनर बुलाते हैं, या किसी को भी अगर वो फिल्म में जो हीरो है उसको कोई रोल करना होता है तो डुप्लीकेट होता है। और ये जो आर्मी वाले हैं वो हमारे रियल हीरो हैं, ना उसको कोई डुप्लीकेट मिलता है ना उसको रनर मिलता है। फिर भी हमें ये सोचो, अगर वो शहीद हो गया तो उसको फैमिली को कितने पैसे मिलते हैं, 5 लाख, इतनी ही प्राइस है हम देखते हैं। अगर देखा जाए तो आप जो भी आर्मी वाले हैं उसके फैमिली का बैकग्राउंड देखो तो वो बहुत ही पुअर फैमिली से होते हैं, और उसके मरने के बाद उसके फैमिली में कोई कमाने वाला ही नहीं बचता है, ज़्यादातर 95%। तो हमने कभी सोचा है कि जो इंसान हमारे लिए शहीद हुआ है उसकी लाइफ की 5 लाख ही कीमत है। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो इतनी शेयर कीजिएगा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी है वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि ये क्रिकेटर है, उसको अगर इंजरी हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो क्या करेगा, एड से भी अपने पैसे निकाल लेंगे। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो, कोई अगर पिक्चर में कोई हीरो है उसकी एज अप हो गई है तो वो एड करके अपनी पैसे निकाल। आप सोचते हो कभी भी ये जो शहीद हो गए तो उसके फैमिली वाले क्या करते हैं, ये सोचा है आपने कभी? और कैंडल नाइट करनी है, आपको श्रद्धांजलि देनी है तो आप ऐसे श्रद्धांजलि दो कि हम कितने करोड़ पीपल से, आप आर्मी डे में इतना कीजिएगा, 100 रुपीज पर पीपल अगर आपको वहाँ तक पहुँचे तो आप सोचो कि आप उसकी हेल्प होगी। पर पीपल 100 रुपीज़, हम इतने तो पुअर नहीं है कि हमारे आर्मी रियल हीरो के लिए 100 रुपीज़ भी पे नहीं कर सकते। हमने देखा कि कश्मीर में हमने 317 जो हटाई कलम, वो मोदी जी ने हटाई, पर उसके रियल हीरो कौन है, ये आर्मी वाले। अगर कोई भी काम हो, अगर हम सक्सेस करना है तो उसके पीछे या तो पुलिस होती है या आर्मी होती है। आप देख रहे हो कि देश के बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है और शहर में हमारे पुलिस खड़ी। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक दो बच्ची थी, उसके वो बोल रही कि मैं तुझे डेली, तेरे पापा तुझे लेने नहीं आ रहे, तू अकेली जा रही है और मेरे पापा मुझे डेली लेने आ रहे है, वो कैसे, क्या तेरे पापा तुझे प्यार नहीं करते? तो लड़की ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं, पर वो मेरे से ज़्यादा अपने देश से प्यार कर रहे हैं, कि तेरे पापा बिना रुकावट के यहाँ पे तुझे लेने के लिए आए, इसीलिए मेरे पापा वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आप एक मंथ आप अपने फैमिली से दूर रह के देख तो लो, वो लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल हो कुछ भी हो, अपने फैमिली, अपने बच्चे का भी मुंह नहीं देख पाते। अभी हमने न्यूज़ में देखा कि जो अभी शहीद हुए, किसी की शादी हो गई है थोड़े दिनों में वो शहीद हो गए, किसी का बच्चा आया है अभी तक फेस भी नहीं देखा। और कितने टाइम तक, अगर वो 18 घंटे ट्रेन में आते हैं तो वो रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन के आते हैं। मैंने उसे लाइव देखा है, वो लोग जहाँ पे हम ऐसे बीच में सीट होती है वहाँ पे सो जाते हैं, कि अगर वो रियल हीरो है तो आप ट्रेन में उस जैसे बस में होता है स्त्री और विकलांग, जैसे हैंडीकैप के लिए स्पेशल सीट होती है, वैसे आर्मी वालों के लिए विदाउट रिजर्वेशन स्पेशल सीट होनी चाहिए। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लिखिएगा मैं राइट हूँ ऐसा।
अगर उसको अभी रिजर्वेशन की भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और जो शहीद हो रहा है उसके बच्चे को फ्री में जब तक जहां तक उसे पढ़ना है विदाउट फी उसे पढ़ने के लिए उसको फ्री में पढ़ाए, जैसे नवोदय में पढ़ाते हैं वैसे ही, ताकि वो मरने पे उसको सुकून मिले कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट को यह कह रही हूँ कि आर्मी वाले को इतनी फैसिलिटीज दो ताकि अभी जो पेरेंट्स बोल रहे हैं मेरे बेटे को मुझे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वो अभी नेक्स्ट ईयर में ऐसा बोले कि मुझे मेरे बेटे को आर्मी मैन बनाना है, ऐसी फैसिलिटीज दो ताकि घर घर में आर्मी वाला आए। अगर हमारे देश की पुलिस और आर्मी जबरदस्त हुई तो किसी को भी औकात नहीं कि हमारे देश का बाल भी बाका कर सके। हमारी आर्मी वहाँ पे खड़ी है, इसीलिए हम अभी होली दिवाली सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं शांति से। जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।